press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi everyone, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ study plans के बारे में. 10th class के बच्चों से अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें बहुत लोगों में डर भरा हुआ है कि क्या करें, अब बहुत कम टाइम बच रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मैंने कुछ स्टडी प्लान्स सोचा कि आपको बता दूं. अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल होने में, एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे. देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. तो आपके पास जिस तरह से सिस्टम पिछले साल चला था, एग्ज़ाम जैसे फरवरी मार्च में होता है, उस हिसाब से 4 महीने आपके पास बच रहे हैं. अब हो सकता सरकार कोई फैसला ले, आपका एग्ज़ाम मई, अप्रैल, मई, जून वगैरह मिले, तो एक अलग बात हुई. लेकिन अमूमन तौर पे आप समझ लीजिए कि ज़्यादा चांसेस है कि फरवरी मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगा. तो आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने बचे हैं. तो ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं, 4 महीने भी बहुत इनफ हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो. देखिए, कुछ बच्चे जो पिछला जो 6 महीना गुजरा है उसमें कुछ बच्चों ने तो काफ़ी हद तक और बहुत अच्छा से पढ़ा है, उन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स वगैरह से पढ़ा. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश, शैतानी बदमाशी से नहीं पढ़ पाए, या फिर कुछ कह लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो नेटवर्क का इशू रहता है, वो जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं होता है, रिचार्ज का कोई मसला है, या कोई भी मसला उनके सामने आया जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए. खैर, वो जो बात गई सो रात गई. अब आगे हम लोग बात ये समझना है कि कैसे स्टडी प्लान को सेट करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकें. तो आइए मैं 5 स्टेप में आपको बताता हूँ. सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, अपने अंदर यकीन होना चाहिए. बिना यकीन के आप कुछ नहीं कर सकते. बैटिंग आप कर रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि आप बॉलर के बॉल पर हिट कर सकते हैं तो आप ही हिट कर पाइएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा. तो सबसे पहली शुरुआत ही होती है आत्मविश्वास से, यानी आपको आप पे यकीन करना पड़ेगा कि हम कर लेंगे. ये इतना भी बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते. लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें बना ली. मैंने एग्ज़ाम पास करना कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं पास कर ही लूँगा और बहुत अच्छे नंबर से लाऊँगा. तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो कॉन्फिडेंस वाली बात है. कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, उसके लिए कॉन्फिडेंस जनरली आता है रिजल्ट से ही. रिजल्ट कैसे आ जाएगा, अभी तो रिजल्ट आने वाला है नहीं, अभी रिजल्ट आएगा 5-6 महीने बाद, तब कॉन्फिडेंस आके क्या होगा. रिजल्ट का मतलब हर एक दिन आप पढ़ेंगे और हफ्ते में एक बार आप रिवाइज जब करेंगे ना, और क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर पे. सेकंड चीज़, कुछ आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें मत बिताइएगा क्योंकि आपके पास टाइम उतना ज़्यादा है नहीं कि आप दिन रात मोटिवेशनल स्पीकर को ही सुनते रहें. आपको मैं सॉन्ग रिकमेंड कर सकता हूँ, लक्ष्य मूवी है, उसका सॉन्ग है लक्ष्य, और एक मूवी है शायद इकबाल नाम है उसका, उस मूवी में गाना है आशाएं. तो आशाएं और लक्ष्य, ये 2 गाना आप सुन सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल सॉन्ग है आपके लिए. आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है. देखिए, अपडेटेड सिलेबस में काफ़ी हद तक सिलेबस रिड्यूस हो गया है. सोशल साइंस की बात की जाए तो पहले 18 चैप्टर पढ़ना होता था, 15 पढ़ना है तो 3 चैप्टर हटा दिया गया. साइंस में, बायोलॉजी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हटाया गया है भाई. सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी इतना ज़्यादा हटा दिया गया कि समझिए कि उसमें कुछ बचा नहीं है. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है. तो आपको पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए कि क्या सिलेबस हटा दिया गया और क्या बच रहा है, ये आपको हर हाल में मालूम रहना चाहिए. वैसे मैं कमेंट से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा. मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, सब सारे सब्जेक्ट का मैं आपको अपडेटेड सिलेबस का PDF फाइल जो है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा. तो ये आपको मालूम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा टेंशन रहेगा नहीं कि भाई इतना ही पढ़ना है अभी आपको. अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ और पढ़ लें जो सिलेबस में नहीं भी है, लेकिन आपने पहला जो टाइम काफ़ी हद तक गंवा दिया है तो अभी कोशिश कीजिए कि वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब आगे अगला जो टर्म है वो ये है, ये तो आपको कॉन्फिडेंस भाई अप होगा डाउन होगा, आप इंसान है, ये आप रेगुलर अपने हिसाब से आपको मेंटेन करते रहना है, और सिलेबस जान लेना है आपको. सिलेबस जानिएगा तो आधा डर आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा परीक्षा का. फिर अब आपको क्या करना है कि डेली रूटीन बनाना है.
अब डिपेंड करता है कि आप कैसे रूटीन बनाते हैं। बिना रूटीन के कोई काम कीजिएगा तो डिसिप्लिन नहीं आती है लाइफ में, आपके माइंड में कोई टारगेट नहीं होता। तो जब माइंड को टारगेट आप दीजिएगा तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा। तो उसके लिए आप कोई कॉपी बना सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि ये फलां काम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे। तो कॉपी वगैरह में आप लिख सकते हैं, डेली रूटीन बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा कि आपने मंथली का एकदम लंबा ऐसा रूटीन बना लिया 8 घंटा 12 घंटा पढ़ने का और आपसे फॉलो हो नहीं पा रहा। तो अगर आपको आदत नहीं है रूटीन वगैरह बनाने की और उसको फॉलो करने की, तो कोशिश कीजिएगा डेली रूटीन, यानी कि आज रात में कल सुबह की रूटीन बना लीजिए, कल एक दिन का, या फिर सुबह उठ के ही उस दिन की पूरी रूटीन बना लीजिए कि आज मुझे कितने बजे कितना काम करना है। क्योंकि हर दिन का तो आपको मालूम रहता है, अब हफ्ता भर महीने भर का अगर रूटीन बनाने बैठ जाइएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो शुरू कीजिए एक दिन से, 2 दिन से रूटीन बनाइए एक एक दिन का, फिर आपको लगने लगा कि हाँ एक दिन का रूटीन मैं फॉलो कर पा रहा हूँ, तब आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर महीने भर का रूटीन बना सकते हैं। लेकिन 1 डे का रूटीन मेरे ख्याल से इनफ रहेगा। इंसान को छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए और उसको, क्योंकि अचीव करना ज़्यादा आसान होता है, टारगेट जैसे अचीव होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। देखिए स्टार्ट कीजिएगा इजी टॉपिक से। इजी टॉपिक मतलब वैसा टॉपिक जिस पे आपको पहले ही से कुछ पकड़ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बायोलॉजी पे कुछ पकड़ है, तो 3 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एवोल्यूशन में एवोल्यूशन भी हटा दिया गया है, हेरिडिटी पढ़ना है और लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। तो इन तीनों चैप्टर मान लीजिए आपको बायोलॉजी में पहले से कुछ कबाड़ है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, शुरू उसी से कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। केमिस्ट्री आपको आसान लगता है, केमिस्ट्री से शुरू कीजिए, सोशल साइंस आसान लगता है, मैथ आसान लगता है, जो भी आसान लगता है उसी से शुरू कीजिएगा। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा, एक के बारे में सब मत पढ़े बैठ जाइएगा। मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो उससे आपका दिमाग जो है ना पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाएगा। दिमाग में एक तरह से फाइल और फोल्डर बनता है हर एक टॉपिक का। तो पहले ही बार में शुरू में अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो एक बार में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लीजिएगा, मैथ साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, हिंदी उर्दू जो भी आप पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश। तो आप एक बार में 2 ही सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। फिर आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर नए सब्जेक्ट को ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया तो आप केमिस्ट्री के साथ मैथ या फिजिक्स को ऐड कर लीजिए, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो कोई और नया ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से पढ़िएगा तो ज़्यादा आसान होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बैठ गया तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगा दिए, वो बेटर तरीका पढ़ाई का नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक ज़रूर लिया कीजिएगा ताकि माइंड को रिलैक्स मिल सके, वो नया इन्फॉर्मेशन गेन करने लायक हो सके। तो ब्रेक लेना भी ज़रूरी है थोड़ा सा, आप बीच वगैरह में घर वाले लोगों से बातचीत करिए और रिलैक्स रहिए। ज़्यादा टेंशन मत पाल लीजिए कि भैया ये तो एग्ज़ाम है, जान चली जाएगी मेरी, एग्ज़ाम नहीं होगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम से किसी का लाइफ ख़त्म नहीं होता है। अगर मान लीजिए बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अच्छा रिजल्ट लाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या दिक्कत, एक बार फिर दीजिएगा, यहाँ से कोई दुनिया ख़त्म नहीं होती। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं लाया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए वो, लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे आप कह लीजिए कि वहाँ पे वो फायज हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे APJ अब्दुल कलाम एवरेज स्टूडेंट थे, गांधी जी एवरेज स्टूडेंट थे, हर कोई उनको जानता है, बहुत सारे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनको कोई नहीं जानता है। तो ज़्यादा भी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। रिजर्व 1 डे फॉर रिविज़न। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आपने पढ़ाई किया है, अब आपको याद है या नहीं याद है, कई बार कई बच्चों के साथ होता है कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया और एक हफ्ते बाद उनसे कुछ पूछा जाए वो भूल जाएंगे। तो बेटर तरीका है कि हफ्ते भर में जो भी पढ़ा आपने, कोई एक डे सैटरडे संडे आप रिज़र्व कर लीजिए कि उस दिन हम सिर्फ रिविज़न करेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। उस दिन रिविज़न कीजिए और कहीं पे आपका क्वेश्चन किताब वगैरह में MCQ का कोई क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसको बनाइए। चैप्टर ख़त्म कीजिए खुद से। चैप्टर कैसे ख़त्म कीजिएगा, रीड करके, पढ़ के। रीड करने में डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ वीडियोस वगैरह वॉच कर सकते हैं आप, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे टॉपिक का वीडियो है, वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आप उसका क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कीजिए। नोट्स आपके पास होगा, नोट्स पढ़िए आराम से समझ में आएगा। नोट्स नहीं है, नोट्स बनाइए फिर पढ़िए, नोट्स किसी से मांगिए जिनके पास हो। तो एक दिन आपको रिजर्व करना होगा रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिपीटेशन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बात आपके दिमाग में जाके पूरी तरह से कन्फर्म तरीके से चली जाएगी। ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। इसके अलावा भी कुछ बातें आपको करनी है, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला काम
कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सवेरे उठिए, कम से कम सूरज से पहले तो उठ जाइए, 5 बजे, 4 बजे या 6 बजे से पहले ही कम से कम उठिए, ऑलमोस्ट 5 से 5:30 के बीच में उठ जाइए आप। और उस टाइम पे कुछ पढ़ाई लिखाई मत कीजिएगा, शुरू शुरू में उठ के फ्रेश वगैरह हो जाइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉगिंग वगैरह भी नॉर्मली, वॉकिंग वगैरह भी, आप छत पे 4 राउंड वॉक भी कर लिए, आंगन में 4 राउंड वॉक भी कर लिए तो भी इनफ रहेगा। शुरू में ज़्यादा भी नहीं कि एकदम आप बॉडी बनाने लग गए, ये हल्का सा रेगुलरली होना, आप एक्सरसाइज कीजिए लेकिन कोशिश कीजिए रेगुलर कीजिए, और इससे जो है माइंड को शांत होने में, आप कह लीजिए थोड़ा बहुत योगा वगैरह भी आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको मन को शांत होने में थोड़ा मदद मिले, बहुत अशांत हो जाता है मन, पता नहीं क्यों। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से, हाय हेलो से, फोटो लाइक डिसलाइक करने से, पोस्टिंग और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग चक्कर से थोड़ा दूर हो जाइए आप। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो बकवास है, जो भी है बाद में यूज़ कर लीजिएगा एग्ज़ाम के बाद, अभी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत बिताइए। अगर आपको लग रहा है कि हमको लत लग गया, हम तो दिन रात यूज़ करते रहते हैं, हर टाइम पे व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं और फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, तो फेसबुक को मारिए अनइंस्टॉल, और फेसबुक जब अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट, एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके बाद फिर से इंस्टॉल करके अपना यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड तरीके के लिए, ज़्यादा भी यूज़ करना वो सब आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो यूट्यूब को रहने दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं, टिकटॉक तो खैर ख़त्म ही हो गया, पबजी खैर ख़त्म हुआ, ये सब बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो जो सोशल मीडिया पे जो वक्त ज़्यादा आपका बर्बाद हो रहा है उसको देखिए, अब देखिए किस चीज़ में आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, उसको पकड़िए और उसको काट दीजिए कि ये काम हमको नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम टाइम में प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए जहाँ पे ज़्यादा टाइम जा रहा है जो बेकार की चीज़ है उसको अभी स्टॉप कर दीजिए। आई होप कि इतना सारा आपको समझ में आया होगा, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि देखिए बंदे लोग, बच्चे लोग, कॉन्फिडेंस में रहिए, फुल यकीन के साथ रहिए, और यकीन जो है अपने ऊपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सारा का सारा आगे बल मिलता है किसी भी काम को करने का। अपडेटेड सिलेबस मालूम हो जाना चाहिए एकदम याद से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, रूटीन आपको मालूम होनी चाहिए, सॉरी रूटीन आप बना लीजिएगा डेली का, और इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिएगा, फिर हर सब्जेक्ट एक बार में मत पढ़िएगा, 2 सब्जेक्ट को किसी को पढ़िएगा, ब्रेक वगैरह भी लेते रहिएगा बीच बीच में, ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं कि सर तो बोले ब्रेक लेने के लिए, तो हर 5 मिनट में ब्रेक लेके चले गए, ये काम नहीं है। ब्रेक का मतलब कि 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर बीच में कुछ देर के लिए ब्रेक ले लिया, और रिजर्व कर लीजिए 1 दिन को 2 दिन को रिविज़न के लिए हमेशा। अगर आप मतलब लड़की हैं, घर का काम वगैरह भी करती हैं, आपको टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी बातों को, और उसको जो है सुन लिया कीजिए, फिर अपना आप कान में जो लगाते हैं हम लोग ब्लूटूथ वगैरह, उसको लगा के सुन सकते हैं, काम भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग का आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह कोशिश कीजिए सवेरे उठ के कीजिए, ऐसा नहीं कि दोपहर में शाम में एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपसे हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और शांत मन को शांत वगैरह बनाने के लिए योगा, भजन वगैरह जो भी आप चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि मन को शांति मिलेगी, वो काम कीजिए, और सोशल मीडिया जैसे बकवास से थोड़ा सा दूर रहिए, ज़्यादा भी करंट अफेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, वो आप इसके बाद ले सकते हैं। और आप पढ़ते भी है तो देखिए कौन सी चीज़ हम ऐसी पढ़ रहे हैं जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। अब कोई बच्चा झूठ ढूंढ कर GK GS पढ़ रहा है, झूठ ढूंढ का वो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो उसकी अभी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, 4 महीने बाद आपको जो पढ़ना पढ़िएगा इंटर के बाद, अगर इंटर में आर्ट्स ले रहे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आर्ट्स नहीं लेते हैं तब तो फिर अलग बात हुई। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी कैसे इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेपोलियन की कहानी सुनिए, नेपोलियन एक मरतबा जा रहा था इटली पर अटैक करने के लिए, रास्ते में उसको एक औरत मिलती है, बोलती कहाँ जा रहे हो, जो भी वहाँ गया वो कभी वापस आया नहीं, हमेशा जो भी गया वो मारा गया। तो नेपोलियन ने कहा कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ बूढ़ी माँ कि मैं जो वहाँ जाऊँगा तो मैं ज़रूर जीत कर आऊँगा, और आप मेरे गले में हार का माला पहनाइएगा, सॉरी जीत का माला पहनाइएगा। तो वो बुढ़िया बहुत एक्साइटेड हुई, उसने कहा कि तुम पहले इंसान हो जिसने ये बात कही, अब तक जिसको भी मैंने कहा वो तो भाग गया, डीमोटिवेट हो गया। नेपोलियन तो तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन नेपोलियन के साथ में जो लोग थे मतलब आर्मी वाले लोग, उन्होंने कहा कि भैया आपको जाना आप जाइए, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो नेपोलियन ने कहा कि आप लोगों ने जहाज पहाड़ को देखा है, आप लोगों ने माउंटेन को देखा जिसकी बात ये बूढ़ी माँ कर रही है कि ये बहुत बड़ा माउंटेन है जिसको पार करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उन लोगों ने कहा जी बिल्कुल नहीं देखा।
तो निपुले ने कहा कि चलो हमारे साथ, आप देख लेना माउंटेन, अगर लगेगा कि यहाँ पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं पार कर सकते, वापस आ जाना। तो लोगों ने कहा, आर्मी के लोगों ने कहा कि हाँ बात तो सही है। तो निपुलिन उन लोगों के साथ आगे चला जाता है, काफिला को आगे रवाना करता है। निपुलियन जा रहा, पीछे पीछे उसकी सेना आती है। आगे क्या होता है, एक पहाड़ वाकई में आता है और निपुलियन की सेना के लोग पूछते हैं कि क्या वो वही पहाड़ है जिसकी बात वो बुढ़िया कह रही थी। तो निपुलियन कहता, नहीं ये पहाड़ नहीं है, ये तो कोई और ही छोटा वाला है। तो निपुलियन और उसकी सेना बहुत ही आराम से उस पहाड़ को पार कर जाती है। फिर आगे पार करने के बाद जब वो आगे जा रहे हो तो सिर्फ रेगिस्तान, सिर्फ और सिर्फ घास नजर आती है। तो सेना के एक जवान ने पूछा कि नेपोलियन साहब, वेर इज़ द माउंटेन, वेर इज़ द पहाड़, कहाँ है पहाड़? तो नेपोलियन ने कहा कि मज़े की बात यह है कि आप लोगों ने पहाड़ को पार कर लिया, और वो जो पहाड़ था वो वही था जिसके बारे में वो बूढ़ी माँ बता रही थी। तो सारे लोग शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया, हम लोगों ने पार कैसे कर लिया। तब उन लोगों ने माना कि नेपोलियन की लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। नेपोलियन ने किया क्या, बहुत टफ काम को बहुत आसान बनाकर पेश कर दिया। बोला कि यार बहुत आसान है तो हो जाएगा। वही चीज़ थ्री इडियट में बताई गई, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। यानी कि कितना भी टफ काम, अगर उसके बारे में आप ये सोच चुके हैं, आपने मन में ये बात ठान लिया कि बहुत आसान है, तो ये वाकई में आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने सोच लिया बहुत टफ है, तब छोटा काम भी, रोटी बेलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मन में सोच लीजिए कि एग्ज़ाम पास करना ये सब बहुत नॉर्मल सी बात है। आप लोग आगे बड़ा बड़ा कुछ करने वाले हैं, देश को बड़ा बड़ा आप कह लीजिए कि चीज़ देने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन करने वाले हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाने वाले हैं। तो ये सब 10th क्लास, 11th 12th के एग्ज़ाम की क्या वैल्यू उसके सामने। आई होप कि आप इतने सारी बात सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो कीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी कोई इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर आप कोई टॉपिक को सजेस्ट करें तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।